बिजली बोर्ड प्रबंधन फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाए और कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपकरण मुहैया करवाए ताकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से कर सकें। ये बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के पास लाइनों की रिपेयर के लिए सीढ़ियां नहीं है और दूसरी ओर बिजली बोर्ड प्रबंधन मंत्री को लाखों रूपये की गाड़ी खरीद कर दे रहा है, जो कि तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों पर पैसा खर्च करना चाहिए। इससे पूर्व संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संघ की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा। एक घोर षड्यंत्र के तहत बिजली बोर्ड को पंगू बनाना, उसकी सारे सिस्टम को खत्म करने का षड्यंत्र है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने जो है कड़ा विरोध जो है अपना जताया, मुख्यमंत्री के सामने उनसे मिले और मुख्यमंत्री को जो है सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए हमने कहा कि कोई कारण नहीं है। जब बिजली बोर्ड ने एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर तरह से लाइन लॉसेज कम किए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई है, किसी प्रकार का कोई बिजली कट कहीं नहीं लगा, भारी कमी कर्मचारी होने के बावजूद भी इस व्यवस्था को चलाए रखा है, तो फिर ये संपत्ति जो है किस कारण से वहां शिफ्ट की जा रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से ये प्रश्न पूछे हैं 10 प्रश्न। मुख्यमंत्री महोदय जी का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। 18 को आइस स्केटिंग शिमला में स्थापना दिवस की घोषणा की, उनके 90% जो हमारे आदेश थे वो परसों जारी कर दिए गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आई है, जो नई भर्ती की उन्होंने मांग मानी, हमने उसने भी उनसे कहा था कि जूनियर टीममेट ना भर्ती की जाए। जूनियर टीममेट जो है एक निचली पोस्ट को क्रिएट किया गया है, टीममेट से निचली पोस्ट को क्रिएट किया गया, इस नाम को हटाकर जो है टीममेट की सीधी भर्ती की जाए। 3 मुख्यमंत्री महोदय को हमने फिजूल खर्ची के बारे में बताया है। काफी हद तक जो नया प्रबंधक वर्ग है, जब से सरकार बदली है, निश्चित तौर पर जो है नए प्रबंधक वर्ग ने, नई सरकार ने बिजली बोर्ड से फिजूल खर्ची को रोका है। लेकिन हमारे संज्ञान में अभी थोड़ा आया है कि पता नहीं कोई कार, आज मैं पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था तो हमने पेपर में हमें वहां से मालूम हुआ कि एक कार जो है बिजली बोर्ड ने मंत्री जी को दी है। तो मेरा आग्रह रहेगा बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग से कि उनके पास तकनीकी कर्मचारियों को खंभे में चढ़ने के लिए सीढ़ियां जो होती है वो 500 रूपये की, उसके लिए पैसे नहीं है। आज 55 साल का तकनीकी कर्मचारी जो बिना पौड़ियों से बंदर की तरह पोल में चढ़ता है और ऊपर से नीचे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए बिजली बोर्ड के पास कुछ नहीं है। हमारा कहना यह कि जहां झूठ तो वहां दे, बिजली बोर्ड कमा रहा है, लेकिन फिजूल खर्ची पे जो है वो बैन लगाया जा रहा, हमारा इतना ही कहना है।